इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन वन ऑफ द वेरी फ्रीकुंटली यूज माइर ऑफ़ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म एंड दैट इज़ द फाइनेंशियल लेवरेज रेशो सो लेवरेज बेसिकली बताती है हमें कि किस हिसाब से आपने डेट लिया है किसी भी फर्म के को रन करने के लिए या उसके डे टू डे एक्सपेंसिस को मेक mm, करने के लिए सो फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो Talks about the extent of debt a firm is utilizing at a certain point in time, and we, it is it it is it gives you another insight into the firm's financial performance. So financial leverage ratio, ki jo category hai, that is extremely important because usually we see that firms jo wo equity or debt ke मिक्सचर के को साथ लेकर अपने जो भी ऑब्लिगेशंस हैं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए वो इस इन दोनों को इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलते हैं जिसमें डेट भी हो चल लेकर लेते हैं वो और एक्विटी को भी अकाउंट फॉर करते बट अगर एक्टी इन है इतनी ज़्यादा नहीं है जितने उनके एक्सपेंसेस चल रहे हैं या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं तो फिर वो मार्केट से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डेट ले लेते हैं अब डेट और एक्टी का क्या हिसाब किताब है उसके उसको मद्देनज़र उसको अकाउंट फॉर करने के लिए एनालाइज करने के लिए उसको ज़्यादा डिटेल में उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फाइनेंशियल लेवरेज लेवरेज रेशोज को कैलकुलेट किया जाता है नाउ देर आर अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज रेशोज बट उनमें से जो तीन रेशोज हैं यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं वन इज़ द डेट रेशो द अदर इज़ द टाइम्स इंटरेस्ट ऑनड And the third is the debt to equity ratio. These three, ratios are frequently calculate to financial performance or financial health of a firm. Ko understand karne ke liye, particularly when we are interested in looking at this dimension of leverage or debt, what is now, if we, we firstly, I am going to explain the debt ratio. डेट रेशो होती क्या है इट बेसिकली हेल्प्स आस इन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्म दिस इज अ फाइनेंशियल रेशो और इसको हम परसेंटेज में या डेसीमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं नाओ इट इफ यू वॉन्ट टू इंटरप्रेट दिस रेशो इट इज बेसिकली दर्पॉर्शन ऑफ अ कंपनीज एसेट्स दैट आर फाइनेंस्ड यूजिंग डेट और डेट रेशो को कैलकुलेट करने का जो फॉमूला है इसमें आपने करना क्या है आपने टोटल डेट को लेना है उसको न्यूमरेटर में रखना है टोटल एसेट्स को आपने डिनोमिनेटर में रखना है और इसके हिसाब से ये दोनों वैल्यूज़ को डेट को टोटल डेट को टोटल एसेट्स की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे आपके पास डेट रेशो आ जाएगा नाउ अभी डेट रेशो की जो वैल्यू है उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं या वो जो वैल्यू है वो हमें बताती क्या है इफ़ द रेशो ज ग्रेटर देन वन तो एज यू कैन सी द फॉर्मूला फॉर्मूला में डेट न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो so, अगर डेट रेशो की वैल्यू वन से ग्रेटर है उससे बड़ी है इसका मतलब यह है कि अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ डेट इज फंडेड बाय एसेट्स या कंपनी जो है वो उसके पास लाइबिलिटी ज्यादा है एसेट से इसका मतलब है जो न्यूमरेटर है वो लार्जर है डिनोमिनेटर से एसेट्स कम है डेट ज्यादा है जिसकी वजह से हमारा जो डेट रेशो है उसकी वैल्यू वन से ज़्यादा निकली है अगर वन है डेट रेशो आपकी इसका मतलब है जितने आपके एसेट्स हैं उतनी ही आपकी लाइबिलिटीज़ हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं इफ़ द वैल्यू ऑफ डेट रेशो इज़ स्मॉलर देन वन इट मीन्स डैट आपकी जो एसेट्स हैं दे आर ग्रेटर एज कंपेयर टू आपके ऊपर कितने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं सो दिस इज अ गुड साइन एंड इट इट हेल्प्स आस इन नोइंग जो कंपनी है या जो फॉर्म है अगर आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं चाहते हैं या कोई और तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो इट इट इज इट गिव्स यू एन आइडिया कि इट इज सेफ टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन द डेट रेशो इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द डेट टू एसेट रेशो डेट टू एसेट रेशो इसका एक और नाम है क्योंकि आप देख सकते हैं फॉर्मूला में हमने टोटल डेट को न्यूमरेटर में रखा है टोटल एसेट्स को डिनोमिनेटर में रखा है तो डेट रेशो इज ऑल्सो दे वी कॉल द डेट रेशो एज द डेट टू एसेट्स रेशो एज वेल